दोस्तों आज हम आकर्षक सेक्रेटरी पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं। ये पक्षी अफ्रीका के मूल निवासी हैं और अपनी अनोखी उपस्थिति और शिकार करने की क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। सेक्रेटरी पक्षी 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनके लंबे पतले पैर होते हैं जो इन्हें प्रतिदिन 20 मील तक चलने की अनुमति देते हैं। इनके सिर पर पंखों की एक विशिष्ट शिखा होती है जो इनके कानों के पीछे लगे क्विल पेन की तरह दिखाई देती है, इसलिए ही इनका नाम सेक्रेटरी बर्ड है। सेक्रेटरी पक्षी मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से सांपों का शिकार करते हैं, लेकिन ये छोटे स्तनधारियों और कीड़ों का भी शिकार करते हैं। ये अपने शक्तिशाली पैरों का उपयोग अपने शिकार पर तब तक रौंदने के लिए करते हैं जब तक कि वह मर ना जाए या अचेत ना हो जाए। फिर ये अपनी तेज चोंच का उपयोग शिकार को चीरने के लिए करते हैं और फिर उसे पूरा निगल लेते हैं। ये पक्षी अपने प्रभावशाली दृष्टि के लिए भी जाने जाते हैं जो इन्हें 1 मील दूर से शिकार को देखने की अनुमति देती है। इनके पास गहराई की उत्कृष्ट धारणा है और ये खुले घास के मैदानों में शिकार करते समय दूरी का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। सेक्रेटरी बर्ड एक बड़ा ज्यादातर स्थलीय शिकारी पक्षी है। अफ्रीका का स्थानिक यह आमतौर पर उपसहारा क्षेत्र के खुले घास के मैदानों और सवाना में ज्यादातर पाया जाता है। सेक्रेटरी बर्ड को तुरंत पहचाना जा सकता है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा पक्षी है। इसका शरीर बाज जैसा होता है और पैर क्रेन जैसे होते हैं जिससे पक्षी की ऊंचाई 4 फीट 3 इंच तक हो जाती है। दिखने में दोनों लिंग एक जैसे होते हैं। वयस्कों का चेहरा लाल नारंगी रंग का होता है और पंख मुख्य रूप से भूरे रंग के होते हैं। साथ ही चपटी गहरी शिखा और उड़ान के पंख और जांघें काली होती हैं। प्रजनन साल के किसी भी समय हो सकता है लेकिन शुष्क मौसम में देर से होता है। घोंसला कांटेदार पेड़ के शीर्ष पर बनाया जाता है और 1 से 3 अंडे दिए जाते हैं। भरपूर भोजन वाले सालों में तीनों बच्चे उड़ने तक जीवित रह सकते हैं। सेक्रेटरी बर्ड शिकार करता है और जमीन पर शिकार पकड़ता है। अक्सर शिकार को मारने के लिए उन पर पैर रखता है। कीड़े और छोटे केशुरकी इसका आहार बनते हैं। सेक्रेटरी बर्ड एक बहुत बड़े स्थलीय पक्षी के रूप में तुरंत पहचाना जा सकता है। इसकी लंबाई 1.1 से 3 फीट 7 इंच और 4 फीट 11 इंच के बीच होती है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 7 फीट तक हो जाता है और इसके शरीर का वजन 3 किलोग्राम से लेकर 4 किलो 300 ग्राम तक हो जाता है। इसकी गर्दन विशेष रूप से लंबी नहीं होती है और इसे केवल इंटर टार्सल जोड़ तक ही नीचे किया जा सकता है, इसलिए इन पक्षियों को जमीन तक पहुंचने के लिए झुकना पड़ता है। उड़ान के दौरान पूंछ के 2 लंबे केंद्रीय पंख पैरों से आगे बढ़ते हैं और गर्दन एक सारस की तरह फैली हुई होती है। मुकुट ऊपरी हिस्से और छोटे और मध्य पंख के आवरण का पंख नीला गिरे होता है और निचले हिस्से और अंडरविंग आवरण हल्के भूरे से भूरे सफेद होते हैं। शिखा गर्दन से निकलने वाले काले पंखों से बनी होती है। इसके पुलर प्राथमिक और द्वितीय उड़ान पंख दुम और जांघ काले होते हैं जबकि ऊपरी पूंछ के आवरण सफेद होते हैं। पूंछ पच्चर के आकार की होती है जिसमें सफेद नोक आधार पर संगमरमर जैसा ग्रे और काला रंग और 2 चौड़ी काली पट्टियां होती हैं। एक आधार पर और दूसरी अंत में नर और मादा पक्षी देखने में एक जैसे होते हैं। वयस्कों के पास एक पंखहीन लाल नारंगी चेहरा होता है जिसमें हल्के भूरे रंग की आयरिस और एक पीला सिर होता है। पैर और पंजे गुलाबी भूरे रंग के होते हैं। ऊपरी पैर काले पंखों से ढके होते हैं। पंजे छोटे होते हैं। पीछे का पंजा छोटा होता है और आगे की ओर के 3 पंजे एक छोटे से जाल द्वारा आधार पर जुड़े होते हैं। अपरिपक्व पक्षियों के चेहरे पर नारंगी के बजाय पीले रंग की नंगी त्वचा होती है। अधिक भूरे रंग के पंख छोटे पूंछ के पंख और भूरे रंग के बजाय भूरे रंग की आइरिस होती है। वयस्क आमतौर पर चुप रहते हैं
लेकिन वे वह प्रदर्शन या घोंसलों में एक गहरी कर्कश आवाज निकाल सकते हैं। सेक्रेटरी बर्ड अपने साथियों का अभिवादन करते समय या किसी खतरे के प्रदर्शन में या अन्य पक्षियों से लड़ते समय यह आवाज निकालते हैं। कभी कभी एक ही समय में अपना सिर पीछे की ओर फेंकते हैं। जब चिंतित होता है तो सेक्रेटरी बर्ड एक ऊंची आवाज में कर्कश आवाज निकाल सकता है। घोंसले में संभोग करने वाले जोड़े नरम चटक या सीटी बजाते हुए आवाज निकालते हैं। चूजे अपने पहले 30 दिनों के लिए चीयूक चीयूक के रूप में सुनाई देने वाली तीखी आवाज निकालते हैं। सेक्रेटरी बर्ड उप सहारा अफ्रीका में स्थानिक है और आमतौर पर गैर प्रवासी है। हालांकि यह स्थानीय रूप से खानाबदोश हो सकता है क्योंकि यह वर्षा और उसके परिणाम स्वरूप शिकार की प्रचुरता का अनुसरण करता है। इसकी सीमा सेनेगल से सोमालिया तक और दक्षिण में पश्चिमी केप दक्षिणी अफ्रीका तक फैली हुई है। यह प्रजाति तटीय मैदानों से लेकर ऊंचे इलाकों तक कई तरह की ऊंचाइयों पर भी पाई जाती है। सेक्रेटरी बर्ड जंगलों और घनी झाड़ियों के बजाय खुले घास के मैदान, सवाना और झाड़ीदार भूमि को पसंद करता है जो इसके सदैव अस्तित्व में बाधा डाल सकते हैं। अधिक विशेष रूप से यह 1 फीट 8 इंच से कम ऊंचाई वाले घास वाले क्षेत्रों को पसंद करता है। यह अपनी सीमा के उत्तरी भागों में घास के मैदानों में दुर्लभ है जो अन्यथा दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों के समान प्रतीत होते हैं जहाँ यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह गर्म क्षेत्रों और रेगिस्तानों से भी बचता है। दोस्तों, सेक्रेटरी बर्ड आमतौर पर जोड़े और इनके बच्चों के अलावा झुंड में नहीं रहते हैं। ये आमतौर पर बबुल या बेलेनाइट्स जीन्स के पेड़ों पर या दक्षिणी अफ्रीका में पेश किए गए देवदार के पेड़ों पर बसेरा करते हैं। ये आमतौर पर कुछ समय सजने संवरने के बाद भोर के 1-2 घंटे बाद निकल पड़ते हैं। संभोग करने वाले जोड़े एक साथ बसेरा करते हैं लेकिन अलग अलग भोजन की तलाश करते हैं। हालांकि अक्सर एक दूसरे की दृष्टि में रहते हैं। दिन का ज्यादातर समय जमीन पर बिताने के बाद सेक्रेटरी बर्ड शाम को लौटते हैं। हवा के विपरीत दिशा में उड़ने से पहले हवा के विपरीत दिशा में चलते हैं। इसके विपरीत 50 पक्षियों तक के बड़े समूह किसी स्थानीय संसाधन वाले क्षेत्र में मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि सूखे क्षेत्र में पानी का गड्ढा या आग से भागते हुए कृंतकों या टिड्डियों का हमला। सेक्रेटरी बर्ड अशांति को संभालने के लिए अपने प्राथमिक पंखों को फैलाकर उड़ते हैं। इनके पंख फड़फड़ा सकते हैं। हालांकि यह धीमे और श्रमसाध्य तरीके से होता है और इसे बनाए रखने के लिए ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये थक सकते हैं। दिन की गर्मी में ये जमीन से 12,500 फीट ऊपर उठने के लिए थर्मल का उपयोग करते हैं। सेक्रेटरी बर्ड एक विवाही जोड़े बनाते हैं और लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ये वर्ष के किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं। अधिक बार शुष्क मौसम के अंत में निवेदन के दौरान ये ऊंची उड़ान भरते हुए गले से निकलने वाली राहट के साथ पुकारते हुए वैवाहिक प्रदर्शन करते हैं। नर और मादा एक दूसरे का अपने पंखों को ऊपर और पीछे करके पीछा करके जमीन पर प्रदर्शन भी करते हैं, जो कि इनके अपने क्षेत्र की रक्षा करने का तरीका है। ये या तो जमीन पर या पेड़ों पर संभोग करते हैं। घोंसला दोनों लिंगों द्वारा घने कांटेदार पेड़ अक्सर बबूल के शीर्ष पर जमीन से लगभग 35 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है। उथले गड्ढे में घास और कभी कभी गोबर का टुकड़ा बिछा होता है। मादा एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। लंबे चाक जैसे नीले हरे या सफेद अंडे औसतन 78 mm × 57 mm और 130 ग्राम वजन के होते हैं। दोनों माता पिता अंडे सहते हैं। अंडों को सहना पहला अंडा दिए जाने के बाद शुरू करते हैं, लेकिन आमतौर पर मादा ही रात में घोंसले पर रहती है। जब साथी वापस आता है तो सहने वाले माता पिता गर्दन को आगे बढ़ाकर सिर हिलाकर उसका स्वागत करता है। पूंछ को पंखों को फैलाकर सीधा रखा जाता है और छाती के पंख फुलाए जाते हैं। अंडे लगभग 45 दिनों के बाद 2-3 दिनों के अंतराल पर फूटते हैं। दोनों माता पिता बच्चों को खाना खिलाते हैं। वयस्क घोंसले के फर्श पर भोजन उगलते हैं
और फिर वस्तुओं को उठाकर चूजों को देते हैं। अंडे सहने के बाद पहले 2 या 3 सप्ताह तक माता पिता बच्चों के साथ घोंसले में रहने के लिए बारी बारी से आते हैं। बच्चे भूरे सफेद पंखों से ढके हुए पैदा होते हैं, जो 2 सप्ताह के बाद गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। उनके चेहरे की नंगी त्वचा और पैर पीले होते हैं। शिका के पंख 21 दिन की उम्र में और उड़ान के पंख 28 दिन की उम्र में दिखाई देने लगते हैं। ये 40 दिन के बाद खड़े हो सकते हैं और अपने आप भोजन भी कर सकते हैं। हालांकि माता पिता इस समय के बाद भी अपने बच्चों को भोजन देते हैं। 60 दिन की उम्र में अब पूरी तरह से पंखयुक्त बच्चे अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। ये 60 से 110 दिनों की उम्र में घोंसला छोड़ते हैं। हालांकि यह आमतौर पर 75 से 80 दिनों की उम्र के बीच ही होता है। घोंसले से बाहर कूदकर या जमीन पर अर्ध नियंत्रित ग्लाइड का उपयोग करके उड़ान भरना पूरा किया जाता है। किशोर 4 से 7 महीने की उम्र के बीच फैलने से पहले अपनी जन्म सीमा में रहते हैं। जिस उम्र में वे पहली बार प्रजनन करते हैं वह अनिश्चित है, लेकिन 2 साल और 9 महीने की उम्र में एक नर पक्षी के सफलतापूर्वक प्रजनन करने का रिकॉर्ड है, जो एक बड़े शिकारी पक्षी के लिए कम उम्र है। अधिकांश शिकारी पक्षियों के विपरीत सेक्रेटरी बर्ड बड़े पैमाने पर स्थलीय हैं, जो पैदल ही अपना शिकार करता है। वयस्क जोड़े में और कभी कभी ढीले पारिवारिक झुंडों के रूप में लंबे कदमों से आवास के माध्यम से घूमते हुए शिकार करते हैं। शिकार में टिड्डे, तितैये और बिरंग जैसे कीड़े शामिल हो सकते हैं, लेकिन छोटे केशुरुक अक्सर मुख्य बायोमास बनाते हैं। सेक्रेटरी बर्ड कृंतकों, मेंढकों, छिपकलियों, छोटे कछुओं और पक्षियों जैसे कि लार्क, कबूतर, छोटे हॉर्नबिल और घरेलू मुर्गियों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। ये कभी कभी बड़े स्तनधारियों जैसे हेजहॉग, नेवले और छोटे फेल्डिस जैसे कि चीता, शावक, धारीदार पेलिकेट, युवा गजेल और पूर्ण विकसित खरगोश दोनों का शिकार करते हैं। इनके आहार में सांपों का भी एक अलग ही महत्व है। ये स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जहरीली प्रजातियां जैसे कि एडर्स और कोबरा नियमित रूप से सांपों के शिकार के प्रकारों में से एक हैं। सेक्रेटरी बर्ड सड़ा हुआ मांस नहीं खाते हैं। हालांकि ये कभी कभी घास या झाड़ियों में मारे गए मृत जानवरों को खा लेते हैं। पक्षी अक्सर आसपास की वनस्पतियों पर पैर रखकर लंबी घास से शिकार को भगाते हैं। शिकार के दौरान इनके शिका के पंख ऊपर उठते हैं, जो लक्ष्य को डराने और चेहरे के लिए छाया प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। एक पक्षी पंख फैलाकर शिकार का पीछा करता है और पैरों के एजवार से उसे मार देता है। कुछ रिपोर्ट में है कि सांपों को पकड़ते समय कभी कभी अन्य शिकारी पक्षियों की तरह ये अपने पैरों से किसी खाद्य पदार्थ को पकड़ते हैं और अपनी चोंच से उसे फाड़ देते हैं। जो भोजन पच नहीं सकता उसे 40 से 45 मिलीमीटर व्यास और 30 से 100 मिलीमीटर लंबाई के छर्रों के रूप में उगल दिया जाता है। इन्हें आमतौर पर बसेरा या घोंसले के पेड़ों के पास जमीन पर गिरा दिया जाता है। सेक्रेटरी बर्ड का पाचन तंत्र बड़े अफ्रीकी पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो अधिक मिश्रित आहार खाते हैं। अग्रांत्र बड़ी मात्रा में मांस की खपत के लिए विशिष्ट है और भोजन के आंतरिक टूटने की बहुत कम आवश्यकता होती है। अन्य मांसाहारी पक्षियों की तरह फसल फैली हुई होती है और गिजर्ड और गैर मांसपेशी होता है। बड़ी आंत में अवशेषी सीका की एक जोड़ी होती है, क्योंकि पौधों की सामग्री के किण्वन पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेक्रेटरी बर्ड अपने शिकार को तब तक कुचलने में माहिर होते हैं जब तक कि वह मर ना जाए या स्थिर ना हो जाए। शिकार की यह विधि आमतौर पर छिपकलियों या सांपों पर लागू होती है। सेक्रेटरी बर्ड के पैर असामान्य रूप से लंबे होते हैं, जिससे पक्षी की अनूठी स्टेपिंग और स्ट्राइकिंग शिकार विधि के लिए अनुकूलन माना जाता है। हालांकि ये लंबे अंग इसकी दौड़ने की क्षमता को भी कम करते हैं। सेक्रेटरी बर्ड के समान शिकार तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये शारीरिक रूप से समान है, हालांकि ये निकट से संबंधित नहीं है। सेक्रेटरी बर्ड शायद ही कभी अन्य शिकारियों से भिड़ते हैं।
सिवाय टेनी ईगल के, जो इनके शिकार को चुरा लेते हैं। ईगल मुख्य रूप से बड़े शिकार को चुराते हैं और अकेले या जोड़े में सेक्रेटरी बर्ड पर हमला करते हैं। सेक्रेटरी बर्ड जोड़े कभी कभी ईगल को भगाने में सफल हो जाते हैं और उन्हें नीचे गिराकर जमीन पर पटक देते हैं। अपने प्रभावशाली शिकार कौशल के बावजूद सेक्रेटरी पक्षी वास्तव में निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार के कारण जंगल में काफी असुरक्षित है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन अद्भुत जीवों और इनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना जारी रखें। इस पक्षी का जंगल में औसत जीवन काल 10 साल से लेकर 15 साल तक हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी सेक्रेटरी पक्षी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह की पशु पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।